ठीक है। ओम शांति। आज आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज के दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता है। आज का दिवस विशेष हमें ये याद दिलाता है कि विश्वकर्मा अर्थात परमात्मा जो विश्व का नियंता है, वो जगत नियंता एक बहुत सुंदर सृष्टि की रचना करता है, जिस सृष्टि को हम सत्ययुग, स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन कहते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण, जहाँ कहते हैं शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, तो जहाँ जानवरों में इतना प्रेम था, तो मानव में कितना भी प्रेम होगा। जिस दुनिया के लिए गायन करते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा सुंदर भारत, ऐसा स्वर्णिम भारत, जिसकी रचना स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये दुनिया की हालत क्या हो गई। आज का मानव कहता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, लेकिन बदल गया इंसान। तो आज वो घड़ी आ चुकी है फिर से परमात्मा विश्वकर्मा इस धरती पर आ चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के तन से ये ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों, अब सृष्टि का अंतिम समय है और ये सृष्टि बहुत ही शीघ्र परिवर्तन होने वाली है और परिवर्तन के बाद फिर से वही स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम दुनिया शीघ्र इस धरती पर हम सभी देखेंगे। तो आने वाली सत्ययुग की दुनिया की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां हैं, जिसको हम कहते हैं कलयुग जाएगा, अर्थात ये कलयुग की अंधेरी रात जरूर समाप्त होगी और फिर से सत्ययुग आएगा। तो पुनः आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी बधाइयां। ओम शांति।